अगले 24 घंटे के लिए हम रहने वाले हैं इस कराची एयरपोर्ट पे। सब तो ठीक है, लेकिन ये सूटकेस क्यों लेके आया? अबे सूटकेस भी ऐसे ले आया, इसको मैं तेरे को आगे बताता हूँ। चल चल चल, ट्रॉली तो ले ले। हाँ ले ले इसको। ये ट्रॉली होती है एयरपोर्ट पे सामान ले जाने के लिए, और ये डस्टबिन होती है कचरा फेंकने के लिए। क्या कर रहा है? तेरे को क्यों फेंकना डस्टबिन में? कचरा थोड़ी हूँ। कचरे से कम थोड़ी है तू यार। यहाँ पे कोई गोलगप्पे वाला तो नहीं है? अबे गोलगप्पे वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैकडोनल्ड है। लेकिन मैकडोनल्ड हम नहीं जाएंगे, बॉयकॉट है। लेकिन यार इनको कुछ और भी खाने पीने की चीजें करनी चाहिए यार। देखते हैं, मेरे ख्याल अंदर चलते हैं। चलो इसको अंदर लेके चलते हैं, बहुत भारी है यार ये। तो उसमें लेके क्या आया, इतने भारी है यार ये। मैं इसमें सामान लेके आया हूँ ना। क्या सामान है? कपड़े कपड़े लेके आया हूँ। कपड़े कपड़े क्या यहाँ पे? टिकट ही नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। अबे वो है ना सीन, मैं तुझे बताऊंगा ना, सर तो नहीं खा। चल अभी लेके चल आगे। बहुत भारी। अंदर चल अंदर, पूरा अंदर जाएंगे। आंधे 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 आंधे, थोड़ा सा कट ले राइट की तरफ। हाँ आ जा आ जा आ जा। देख के गाड़ी ना आ जाए कोई। वैसे यार लोगों ने फजूल ही बदनाम किया हुआ है कि कराची में डकैतियां होती हैं। देखो मैं रोड पे खड़ा हूँ, मेन रोड पे कोई डकैत नहीं है। तो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे 10 सिक्योरिटियां पार करके तू यहाँ आया, तभी तो इतना सेफ है। ये तो नहीं बताना, कराची अच्छा है यार हमारा। ये क्या घुमा रहा है? पागल है, लोग देख रहे तुझे, पागल समझ रहे हैं। चल अंदर चलते हैं, टिकट भी नहीं है अपने पास, अंदर घुसने भी देंगे। अबे क्या रेल गाड़ी छुक्का छुक खेल लें क्या? इतनी सारी ट्रॉलियां एक साथ लेके जा रहे हैं भाई, कहाँ ले जा रहे हैं ये? वैसे देखे तो वो ये अंदर ही जाएगी मेरे घर। अबे तू चौड़े में तो ऐसे घुस रहा है जैसे पता नहीं तेरे पास पैसे वैसे हैं, तेरे को पकड़ लेंगे। पुलिस वगैरह भी घूम रही है इधर भाई, वो देखो प्रॉपर पुलिस है, इसकी चेकिंग हो गई ना, ये पिटेगा बहुत गंदा। अबे तो दुबई उबई की फ्लाइटें जा रही हैं, क्या करेगा तू वैसे यहाँ पे? मैं तो बोलता हूँ यही काम शुरू कर दे, थोड़े पैसे वैसे मिल जाएंगे। कौन सी फील्ड में जाऊँ? अबे पैसे तेरे पास है नहीं, टिकट तेरे पास है नहीं दुबई का। तो आ गए और ये सपने देख रहा है दुबई के एयरपोर्ट पे 24 घंटे गुजारने, प्लेन के अंदर जाने नहीं देंगे हमें। अबे प्रॉपर चेकिंग हो रही है वहाँ पे तो। क्या चल रहा है एयरपोर्ट पे? इतनी आवाम क्यों है इतनी ज्यादा? समझ से बाहर है। आज पकड़े जाएंगे मुझे लग रहा है, आज डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाएंगे अगर पंचायत हो। वो नहीं जा, तुझे मार के भगाएंगे। इधर आ जा। अबे कौन सा रूम है, तू कहाँ घुस रहा है? एयरपोर्ट का प्राइवेट है, वो अलग ही जगह है। क्या है मशीन रूम में पता नहीं खुद ही घुस रहा है यार, उनके एयरपोर्ट वालों की काम की जगह। वो पागल ऐसे नहीं घुस, कहीं भी मार के भगाएंगे। अभी वैसे ही तू लोगों पे शक कर रहा है और नहीं घुस रही है, को मना किया था। बोलना तू क्या उनके मुंह पे कैमरा खोल ले? अबे तू अजीब बंदा, तू इधर उधर नहीं घुस। पहले ही शक हो जाएगा उनको, तो एयरपोर्ट से निकाल देंगे, बोलेंगे फारी के इनको कहीं जाना वाना नहीं है, ये दुबई की फ्लाइट है, ये अमीर अमीर सारे शेख वेख घूम रहे इधर। एयरपोर्ट तो काफी अच्छा है यार, ऊपर भी फ्लोर है, मजे गए कराची एयरपोर्ट, सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी वगैरह खड़ी करता है ना उसकी उड़ जाती है, क्योंकि नीचे है पार्किंग मेरे ख्याल, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं 24 घंटे, ताकि गाड़ी वाड़ी कोई उठा ले। प्रोटोकॉल देख रहे भाई का? ओए क्या प्रोटोकॉल है यार तेरा, क्या बात है। वो बंदे को देख यार स्टाइल चेक कर, ऐसा होगा ऐसा बनेगा तो फिर ये तेरा प्रोटोकॉल होगा। तेरा मुंह पे तो गधा गाड़ी भी प्रोटोकॉल में ना है, शर्माए वो भी गधा। प्रोटोकॉल है यार मेरा। एयरपोर्ट तो घुस गया, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ना कोई कारनामे की वजह से हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। छुप के जाएंगे ना, सामने कौन जाएगा? कहाँ जाएगा छुप के? मैं बोलता हूँ इस बार ट्राई करते जहाज के अंदर जाने का, कोशिश करते हैं। इधर का सीन ये कि ना आवाम छप्पड़ में भी घुस जाती है कभी, पता नहीं चलता भाई। दुबई उबई की फ्लाइट होती है, बंदा सुकून ऐसी घुस जाए। कभी कभी चेकिंग होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, ऐसा होता है ना, एक की हो गई दूसरे की नहीं, रश लगा हुआ होता है, तो बंदा उसमें बच जाता है और फिर निकल जाता है प्लेन में। जहाज की सीटें भी खाली होती है आधी। हाँ ना, क्योंकि कौन ही जाएगा इतनी महंगाई में दुबई। कोशिश करते हैं कि फ्री में हम लोग दुबई चले जाएं इस बार। अबे हेडक्वार्टर बने हैं पूरे, वहीं से गोलियां मारेंगे, वो तुम लोगों को गन दिख रही होगी। अगर तूने कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज की ना, वहीं से गोली मार देंगे। और ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं गाड़ियां वगैरह उठाने के। हमारी चेकिंग भी नहीं हुई, हम ऐसे ही अंदर आ गए। अभी हम जहाज वाली साइड क्यों आ गए? अभी हम जहाज में जा रहे हैं। मेरे को ये हैरानी है, कोई पीछे नहीं है सिक्योरिटी वाला? बस सिक्योरिटी वाले मुझे लग रहा है पीछा कर रहे हैं, कोई मुझे लग रहा है चेक कर रहे हैं ये लोग हैं, कौन चाहते क्या हैं ये लोग। प्लेन कोई दुबई थाईलैंड का होगा ना, फिर मजा आएगा ना। पकड़ तो नहीं लिया हमने? मुझे लग रहा है ऐलान हो रहा है, भाग। मेरे को लग रहा है ऐलान हो रहा है, भाग। निकल 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 निकल, ऐलान करवा दिया उन्होंने, ये लोग फ्री में घुसे हैं, भाग। मैं तुझे बोलूंगा फटी ना। अबे पीछे तो नहीं आ रहे, देख पीछे नहीं आ रहे, लेकिन लोग कितने बैठे हैं। कैसे कोई एक जहाज लैंड हुआ है? लैंड हुआ है उसमें घुस जाते हैं। अबे क्यों ऐसे जाना है जहाज में? घुस जाते हैं मैं तो कहता हूँ छप्पड़ में। चल चल, अबे लोग प्लेन में घुस रहे हैं। अबे कैसे कैसे लोग घुस रहे हैं? अबे मुझे लग रहा है तालिबान वगैरह भी घुस गए हैं, यानी प्लेन वगैरह हाईजैक हो जाए। अबे लेकिन अगर ये लोग भी घुस रहे हैं, हम भी घुस जाते हैं ना? मैंने फिल्मों में देखा है, हाईजैक हो जाते हैं पूरे प्लेन। अबे तो हम फ्री में घुस रहे हैं, ऊपर तो नखरे भी दिखा रहे हैं। अबे तो क्या मरना थोड़ी है, अभी जा रहे हैं ना, लेकिन रश में निकल जाते हैं। चल देखते हैं यार अंदर घुसते हैं। अबे अंदर घुस गए हम लोग, अभी यकीन नहीं हो रहा अंदर कैसे घुस गए, चेक ही नहीं किया हमने। सब चेक किया प्रॉपर, हम आए हैं, ज्यादा शान पत्ती नहीं कर, लेकिन हम जा आ रहे हैं, वो एक सरप्राइज है। अब ये सब भी बता दिया, बता चलो देखते हैं ना। चलो यार अंदर अंदर घुस रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लेन तो काफी चका चक है, प्लेन खरीदना है, बिल्कुल जेन्युइन है। कितने का? 2-3 करोड़ का। क्या कंडीशन है? कंडीशन देख ले यार, कंडीशन अच्छी नहीं होने ले। मेरी RX-8 में 2 JZ इंजन है, इसमें कितना इंजन होगा बे? अरे होगा 50 JZ होगा। 50 JZ? पागल 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 हो गए।
लेकिन इंजन बहुत बड़ा है यार। बैठ गए भाई अंदर अंदर आगे बैठ गए और टिकट विकेट हमने ले ली थी, ऐसे छप्पड़ में नहीं घुसे हम, प्रॉपर टिकट विकेट लेके घुसे। अब बता दे कहाँ जा रहे हैं? अबे वो पता चलेगा ना, प्लेन चलेगा जहाँ भी जाएगा वो तुझे दिख जाएगा। वाओ यार क्या नजारा, माशाल्लाह। कौन सी जनाजा LCD लगी हुई है पुराने जमाने की जो चलती भी नहीं होंगी। पिछली बार एमिरेट्स में गया था, सही टकाटक अरबी अरबी वीडियो आ रही थी लड़कियों की। ये तो पता नहीं क्या है, किसकी वीडियो आ रही थी? अबे वो अरबी लड़कियां एयर होस्टेस नहीं होती, वो उनकी आ रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। ये पता नहीं, और चलो सही है, ये तो पता है मुझे। नहीं कर फजूल। अबे तूने सीट बेल्ट क्यों लगा लिया पागल है क्या? डर लगता है मेरे को, गिरेंगे थोड़ी पागल। हो गया भाई, डर लगता है। कुछ भी नहीं होता, आपके भाई को सीट बेल्ट की जरूरत ही नहीं है, आपको भाई डरता ही नहीं है। हाथ में खोल लेना है, खोल नहीं फिर भी सेफ्टी के लिए लगा के रख। क्या गेमिंग चेयर है क्या? बटन वटन भी लगे हुए, क्या होता है? टका भी काम नहीं कर रहा, एक बटन भी काम नहीं कर रहा यार, क्या जनाजा है यार। मौसम बाकी अच्छा हो रहा है यार, अच्छा लग रहा है। कपड़ा तो मार दे इसके ऊपर बाहर से। बाहर से कैसे मारूं? बाहर से गंदा हो रहा है थोड़ा सा शीशा। ओ चचा बाहर से कपड़ा ही मार दो एक। ये प्राइवेट जेट देख के तो भाई कई कतई GTA वाली फीलिंग आ रही थी। GTA में बंदा चला भी सकता था, असल में तो बस देख के ही खुश हो सकते हैं हम थोड़े बहुत। खैर फिर जहाज उड़ तो गया और पूरे कराची के नीचे नाले वाले सब नजर आ रहे थे बिल्कुल जूम होके ऊपर से। हम लोग इतने बहाने बनाते हैं नमाज के लिए, नमाज छूट जाती है और ये आंटी को देखो प्लेन में भी नमाज पढ़ रही थी, माशाल्लाह यार। फाइनली खाना आ गया, ये चेक कर भाई है। साला क्या भूखा रंग है, खाई गया इतनी जल्द। बन खाने के बाद दिल से यही आवाज निकली, चीज बढ़िया है। और फाइनली यहाँ पे लैंडिंग हो रही थी और भाई आपका भाई लैंडिंग से तो कभी नहीं डरता। कहाँ पहुँच गए? तू लेके आया, तेरे को पता है? अबे पायलट लेके आया, मुझे क्या पता? पता नहीं किधर पहुँच गए, सही से दिख भी नहीं रहा, शीशा खराब है, गंदा हो रहा है शीशा। ऊपर से अंकल अंकल पीछे शोर कर रहे हैं, क्या पंचायत हो गई? अबे कहीं और तो नहीं लैंड हो गए? अबे कहीं अफ्रीका अफ्रीका तो नहीं आ गए? तेरे लिए बीवी ढूंढ लेंगे, आप रशिया जाऊंगा ना। मुँह तो देख, रशिया में तेरे को एंटर ही नहीं होने देंगे। एंट्री मैं करवाऊंगा ना। अबे पता नहीं यार, उतर के देखते कहाँ पहुँचे अंकल, क्या हो गया, शोर क्यों कर रहे हैं? अबे कहाँ स्विट्जरलैंड वगैरह आ गए क्या? सर्दी क्यों है इतनी यहाँ पे? ज्यादा ठंड क्यों बढ़ गई? चल देखते हैं। अबे अच्छी जगह है ये, कौन सी जगह? छोड़ यहाँ पे जाना है मैं शायद। अबे इतना साफ सुथरा एयरपोर्ट है ना, कान की पिचकारी है ना कुछ है। ये मुझे लग रहा है थाईलैंड वाईलैंड आ गए कहीं ना कहीं। लेकिन लोग कहाँ है? लोग भी नहीं है, देख कितने सन्नाटा है और सुकून वाली जगह है। अबे कुत्ते जैसी सर्दी है, ये तो इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद क्यों आ गए हम? अबे पता नहीं क्यों आ गए, बस आ गए, शायद आगे कहीं में जाना है। हमारी जी वैगन आ रही है अभी, मर्सिडीज बुला ली है मैंने, टेंशन नहीं लेना। जी वैगन पीछे डाले होंगे 4-5, पीछे लैंड क्रूजर, ऊपर से फिर मर्सिडीज C63 भी होगी, GTR Porsche। हाँ वो भी प्रोटोकॉल में चल रही होगी, टेंशन नहीं लिया। अगर चल यार चले, आ गई गाड़ी, यही है। ये नए मॉडल की मर्सिडीज बैठा, लग रहा है ये भी नसीब में नहीं है, अभी जा रही है। हमने बुक की थी यार मर्सिडीज, ऊपर नहीं चढ़ पा रही, जान लगाओ जान लगाओ। चलो यार करोला शलोरा ही आ गई है, चलो बैग वैग इसमें, ओए आराम से भाई आराम से हो जाओ, रोकोगे क्या? चलो यार सामान वगैरह भर दिया है, बस आ नहीं रहा लेकिन खैर हो गई। चलो यार बैठे यार, बड़ी सर्दी हो रही है इधर तो। चलो यार फाइनली पहुंच चुके हैं, मर्सिडीज पॉलिसी ये क्या? अबे सही है ना, सही सलामत तो आ गए ना, सर्दी बहुत हो रही है, जल्दी उठा बैग। हाँ मुँह तो देख अपना, जल्दी आ जाओ। फाइनली आ गए होटल में भाई, होटल देखो कितना साफ सुथरा हो रहा है यार, माशाल्लाह। ये कौन गया अंदर, क्या कर रहा है यार? वो हम जरा सेलिब्रेट कर रहे थे बैठ। अबे क्या, अबे कित, अबे क्या साफ सुथरा रखा हुआ है यार, माशाल्लाह क्या बात है, एक कचरा नहीं है पूरे होटल में। यहाँ पहुँच तो गए यार, लेकिन खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत भूख लग रही है अभी। वापसी बाहर आ गए यार, फिर से कहीं ना कहीं जा रहे खाने पीने, निकलते हैं फिर देखते कहाँ जा रहे। तू कहाँ गया? पीछे डाले में बैठना जाके। अबे डाला कौन सा, एक ही गाड़ी है हमारे पास। अबे जी वैगन है ये, जी वैगन, जी वैगन ही वैगन आ रहा है। अबे जगह ही नहीं है। चलो भाई कहीं रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट चलते हैं खाने पीने। चलो यार पहुँच गए यार ऊपर, खाना पीना करते हैं कुछ। अबे कायदे आजम भी खाना खाने आए हैं क्या साथ? हाँ कायदे आजम की गाड़ी खड़ी है पुरानी, लेकिन चकाचक चमकाई हुई है, भगा दिया उसको गाड़ी। चलो यार कुछ खाने पीने चलते हैं। वो FX भी फुल चमकाई हुई है, पुराने जमाने की गाड़ी है लेकिन टकाटक रखी हुई है, मेरी हर एक सीट से ज्यादा तो ये चमक रही है। इसमें तो सारे इंसानी खाने, इसके लिए डॉग फूड नहीं मिलेगा, घास फूस होगी, गधा भी साथ लाया। कुछ खाने पीने के लिए बारबेक्यू देख लेते हैं, खाना शाना आ गया है भाई माशाल्लाह, बोटियां वोटियां आई हैं और पता नहीं कौन कौन सा सालन है। बस फोड़म फाड़ी स्टार्ट करते हैं यार, सफर के बाद तो बहुत ही थक गए। चलो यार खाना वाना खाते हैं, चीज तो बढ़िया है, खाना वाना खा लिया, पैदल वैदल जा रहे हैं यार, क्योंकि यहाँ पे तो डर ही नहीं है धकेती वगैरह का, इजी सीन है।
यहाँ चिल सीन है, सारा धुआं निकल रहा है मुंह से, बड़ी सर्दी है यार। हुडी पे जैकेट, जैकेट के अंदर आईने भी पहननी चाहिए। मैं ऐसे ही निकल गया अबे, इतना सन्नाटा है कराची में तो ऐसे नहीं घूम सकते। लिफ्ट वगैरह में आ गए, बहुत चल के आए, बदल हजम हो गया सारा खाना, पूरा अंधेरा हो रहा है वैसे होटल में, डर ही लग रहा है। क्या बोल रहे हैं पांचवें फ्लोर पे जाने? अबे अभी तो आए हैं आज, पागल है क्या? कल वाल टूर करेंगे इस होटल का। अभी चलते हैं रूम में, खुल जा सिमसिम, खतरनाक सा है, थोड़ा हॉन्टेड टाइप लग रहा है। खैर इस लोग को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। लाइक सब्सक्राइब तुम लोग कर देना यार, ऐसे ही भाग रहे हो तुम लोग, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और 24 आवर एयरपोर्ट इसका चैलेंज का नाम था लेकिन नहीं हो पाया, फिर हम लोग इस्लामाबाद आ गए। और आगे अभी हम पहाड़ियों पे जाएंगे भाई, आपको भाई 24 घंटे बिताएगा इंशाल्लाह पहाड़ियों पे, कोशिश करते हैं, ठंड बहुत है इधर। मैं लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, चलो शाडो।